अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनाया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद अनाया। आज मैं सिखाऊंगी चिकन अचार गोश। अदरक, लहसुन, टमाटर, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे मशीन में। दही में 2 टेबलस्पून अचार का मसाला ऐड करूंगी और अच्छे से दही में मसाला मिक्स कर लूंगी। फिर इसे चिकन में ऐड करूंगी। चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। आपके पास टाइम नहीं हो तो आप फौरन पका लें, आपकी मर्ज़ी। मैरिनेट करने से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। दही ताज़ा इस्तेमाल किया करें खाने में, इससे भी जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। पुरानी दही से टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। चिकन में ऐड करूंगी दही और अचार मसाला, किसी भी ब्रांड का आप अचार मसाला ले सकते हैं, आपकी चॉइस। मैरिनेट करके आप इसे रख सकते हैं, जब मर्जी हो फटाफट आप ताज़ा बना लें, गर्मा गर्म बनाएं और खाएं। दही, अचार मसाला और चिकन, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके रख दें, 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। अच्छे से गोश्त में दही और मसाला मिक्स हो जाए। तीन से चार अदद टमाटर, अदरक लहसुन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 6 से 7 अदद लहसुन, इस तीनों चीज़ों को पीस लेंगे। ऑयल गरम करके मैरिनेट चिकन ऐड करेंगे। बॉयल आ चुका है, अब इसे मसाला ऐड करेंगे। अदरक लहसुन और टमाटर पिसा हुआ ऐड कर देंगे। इसे 25 से 30 मिनट मीडियम आंच में पकाएं। 1.5 टेबलस्पून अचार मसाले में नींबू का रस ऐड करेंगे और मिर्चों में भरेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्ची आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। बीच निकाल लेंगे मिर्ची में से, मसाला भरने में आसानी हो। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत आसान है। बोनलेस चिकन से भी आप इसे बना सकते हैं। एक एक करके सारी मिर्च में मसाला भर देंगे। मिर्ची में कट लगाएंगे, बीच निकालेंगे और मसाला भर देंगे। बहुत ध्यान से देखें, इस तरीके से मिर्ची को भर देंगे, मसाले मिर्ची में ऐड करेंगे। चिकन अच्छे से पक जाए, लास्ट में मिर्ची डाल के 5 मिनट इसे छोड़ देंगे, दम दे देंगे स्लो आंच में।
चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब मिर्ची ऐड कर दिया है मैंने, मोटी मिर्च है ये। 5 मिनट दम दे और ये तैयार है चिकन अचार गोश्त, बहुत ही मज़ेदार। जल्दी से हो जाए तैयार। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।